few Indians who wanted to volunteer. बीते 50 सालों में इजराइल पर सबसे भीषण हमला हुआ है। इजराइल में सैनिकों समेत कम से कम 700 इजरायली मारे गए हैं। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इसी बीच इजराइल में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गई है। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, लेकिन अब इस पूरे बवाल के बीच इजराइल ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इजराइल का ये पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे। इजराइल ने कहा है कि सैकड़ों भारतीय लोगों ने कहा है कि वो इजराइल जाकर हमारे लिए लड़ना चाहते हैं। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने दावा किया है कि कई भारतीय लोगों ने हमसे कहा है कि वो आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के लिए लड़ना चाहते हैं। इजराइल ने कहा कि हम भारतीय लोगों के इस जज्बे से खुश भी हैं और हैरान भी। इजराइल ने कहा है कि हम नहीं जानते थे कि भारत के लोग हमारे लिए इस हद तक जा सकते हैं। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि हम अपने भारतीय साथियों को धन्यवाद देते हुए बोलना चाहते हैं कि हम अपनी जंग खुद ही लड़ेंगे, लेकिन हम भारतीय लोगों में अपने प्रति प्यार देखकर काफी भावुक हैं। वैसे आपको बता दें कि इजराइल ने अपने बयान में एक बड़ी सीख दी है कि जंग अगर अपनी है तो खुद ही लड़नी होगी। दुनिया के अलग अलग देश कई तरह से मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंत तक कोई साथ नहीं देगा। अंत में आपको ही लड़ना है और आपको ही जीतना है। चलिए आपको इजरायली राजदूत नाओर गिलोन का ये बयान सुनवाते हैं। Israel never asked for anyone to come and fight for us. We don't want any bad blood spilled. I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them, thank you very much, but we fight our own fights. We don't want other people to fight our fights. It was always our way.